हमारे मोहल्ले में एक अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, लेकिन इस कंपटीशन की खास बात यह है कि इसमें केवल बुजुर्ग ही हिस्सा लेंगे। तो हमारे घर की बुजुर्ग तो सबसे आगे थी, क्योंकि दादी को पैसों का बहुत लालच है और दादी ने इनाम की रकम देख ली थी जो कि पूरी 1,000 रुपए थी। तो उसको देखकर मेरी दादी की नीयत डोल चुकी थी, तो दादी मेरे पीछे सुबह से पड़ी थी कि उनको कोई ऐसा स्नैक्स बताना है जो जल्दी से बन भी जाए और खाने में टेस्टी भी हो। तो मैंने दादी को बोला, दादी मुझे पता है आपको क्या सिखाना है, क्योंकि आप काफी कामचोर किस्म की हो तो आप ज्यादा मेहनत तो करना चाहोगी नहीं, इसलिए एक इजी वाला स्नैक्स बताती हूँ। तो इतने मेरी दादी ने लट्ठी उठा के मेरी सुताई कर दी। तो मैं दादी को कहने लगी, दादी देख लो, अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो आप हार जाओगी। तो दादी ने मेरी चापलूसी करते करते ये रेसिपी सीख ली। तो अब जैसे ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ तो मैं दादी को देख ही रही थी कि पूरा 1 घंटा